तो यूक्रेन का मारियोपोल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। रूसी हमले में शहर का 80% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। 40% इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाना बेहद मुश्किल बताया जा रहा है। तो यूक्रेन के मारियोपोल में रूस ने जबरदस्त तबाही मचाई है और सब कुछ जलकर वहां खाक हो गया है। खंडर बना यूक्रेन का मारियोपोल शहर, कैमरे में मारियोपोल की बर्बादी का सबूत। शहर में धुआं और आग ही आग। रूसी हमले से 80% इंफ्रास्ट्रक्चर खाक। यूक्रेन में मची तबाही और बर्बादी को बयां करती है तस्वीरें मारियोपोल शहर की है, जहां रूसी फौज बेहिसाब बम और मिसाइल अटैक कर रही है। तस्वीरें देखिए, पूरा का पूरा शहर जल रहा है। आग और धुएं के गुब्बार के बीच लोगों का शहर में जीना मुहाल हो गया है। रूसी टैंक शहर के अंदर बमबारी कर रहे हैं। खबर है कि रूस ने मारियोपोल शहर में एक स्कूल की बिल्डिंग पर बमबारी की, जिसमें 400 से ज्यादा लोगों ने शरण ले रखी थी। हमले में स्कूल की बिल्डिंग ढह गई है। दावा है कि रूसी हमलों की वजह से शहर का 80% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, जिसमें से 40% इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाना मुश्किल है। डर की वजह से लोग मारियोपोल को जल्द से जल्द छोड़ना चाहते हैं। अधिकारियों के मुताबिक मारियोपोल शहर की आबादी 4.5 लाख है, लेकिन इनमें से केवल 10% लोग ही पलायन कर पाए हैं। मारियोपोल नगर परिषद ने यह दावा किया है कि हजारों लोगों को उनकी इच्छा के खिलाफ रूस भी ले जाया गया है। और उस बीच एक और बड़ी खबर है, ईस्टर्न यूक्रेन के लुहांस्क में रूस की तरफ से जबरदस्त बमबारी की गई और यहां पर बमबारी से घर में आग भी लग गई। यूक्रेन की तरफ से आरोप ये लगाया गया है रूस पर कि उसने एयर स्ट्राइक से जो सिविलियन इलाके हैं उनको टारगेट पर लिया और इसी बमबारी में ये देखिए तस्वीर आपके सामने, जहां पर एक घर में आग लग, रिहायशी इलाकों को लगातार टारगेट पर ले रहा है यूक्रेन, ये बार बार बोल रहा है। लेकिन वही तमाम आरोपों को खारिज रूस की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन तस्वीर आप देखिए, लुहांस की तस्वीरें जहां पर रूस की तरफ से जबरदस्त बमबारी की गई और एक घर किस तरह से आग की लपटों में घिरा हुआ है, ये लुहांस की ताजा तस्वीरें। और इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस ने एक बार फिर से दिखाया हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का डर। रूस ने घातक मिसाइल जिरकॉन से यूक्रेन पर हमला बोला है। जिरकॉन का इस्तेमाल करके रूस ने पश्चिमी देशों को वार्निंग दी है। ये आपको बता दें कि जिरकॉन मिसाइल आवाज से 7 गुना ज्यादा स्पीड से टारगेट पर अटैक करती है और उसे तबाह कर देती है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे उसी जिरकॉन मिसाइल की, जिरकॉन मिसाइल के इस्तेमाल का जो आरोप है वो लगाया गया है और बकायदा रूस ने इस इस्तेमाल से वेस्टर्न कंट्रीज को वार्न भी किया है। बेहद ही घातक होती है जिरकॉन मिसाइल। जंग के 24वें दिन रूस ने यूक्रेन के इवानो फ्रांसिस पर पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल किंजिल से हमला बोला था। तभी से ये माना जा रहा था कि रूस अब एटम बम से हमले की तैयारी कर रहा है। जंग के 27वें दिन रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन दागकर अपना इरादा साफ कर दिया है। यानी रूस ने फिर वो मिसाइल छोड़ी है जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। जिरकॉन से हमला करने के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या यूक्रेन पर एटम बम अटैक फाइनल हो गया? क्या अब न्यूक्लियर वॉर एक कदम दूर है? क्या पुतिन अगला हमला एटम बम से ही करेंगे? रूस ने आज जिस जिरकॉन मिसाइल से हमला किया है वो जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल बेहद खतरनाक मिसाइल है। जिरकॉन एंटी शिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, समुद्र में समुद्र और जमीन पर हमला करने में सक्षम। आवाज से 7 गुना ज्यादा स्पीड से दुश्मन पर हमला। वैसे तो ये हमला यूक्रेन पर हुआ है, लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या रूस ये अटैक यूक्रेन के बहाने अमेरिका और नेटो मेंबर्स के लिए कोई बड़ी चेतावनी है? क्या जिरकॉन हाइपरसोनिक प्रहार के आगे न्यूक्लियर वॉर है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।